और दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी को इंतजार था कि सेकंड सूची कब आएगा, तो आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए 15/9/2023 की स्थिति में जारी किया गया है। डीएलएड प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु द्वितीय सूची की सूचना सेकंड लिस्ट जारी की गई है। विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 17/2023-24 में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची का प्रकाशन किया गया है। द्वितीय सूची केंद्र की आवंटन सूची 15 सितंबर 2023 को की गई है। इनके लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है, द्वितीय सूची का प्रवेश जो एडमिशन प्रक्रिया 29 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 को शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर किया जाएगा। और भर्ती संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं, भर्ती संबंधित कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो एडमिशन संबंधित, चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरा करें। जिन अभ्यर्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है, वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएं। काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग संबंधी अन्य जानकारी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2022 को जारी डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी और निर्देश वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से देखें और उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहे। दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो इनका लिस्ट जो आवंटन सूची इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो ORR रैंक 947 इस प्रकार से इनको कमला नेहरू कॉलेज कोरबा मिला हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये 42 पेज का PDF है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिला हुआ है, इनको सीट आवंटन किया गया है। आप जो है जिस जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है वहाँ जा कर के आप जो है अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा से कांटेक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो ORR रैंक कितने रैंक तक के जो कैंडिडेट को मौका मिला हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं 10,524 इसमें जो आरक्षण वाइज रोस्टर का पालन करते हुए जो है बनाया गया है। आप अपना जो है नाम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ सर्च बॉक्स पर करके टाइप करेंगे, जैसे जिस नाम को आपको खोजना है, जैसे जया हम खोजते हैं तो जया इस प्रकार से सर्च करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट का नाम जया वहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी नाम आपको खोजना है आप सर्च बॉक्स पर जा करके खोज सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिला है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपात्र हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल वाले कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे, उनके पास जो है शिक्षण का अनुभव नहीं था, फिर भी अप्लाई किए हुए थे, वे सभी अपात्र हो गए। इस प्रकार से देख सकते हैं 42 पेज का यह PDF है। तो इनका जो है वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया 29 सितंबर 2022 से प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों यही जानकारी आप तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।